अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी बिहारी कीमा, दम का कीमा, और इसको हम स्मोक भी देंगे कोयले का। और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह बनेगा, तो प्लीज़ रेसिपी नोट कर लीजिए जी। तो मज़ेदार सा कीमा बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। हमें इसके लिए चाहिए होगा 1 kg कीमा बीफ का। अच्छे से इसे आप बारीक कीमा बनवा लीजिए, या आप ख़ुद घर में बना सकते हैं तो अच्छे से इसे बारीक कीमा कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे बिहारी कबाब मसाला। शान का ले लें या नेशनल का ले लें, इट्स अप टू यू। और इसके अलावा हम लेंगे 1 onion को मैंने फ्राई कर लिया था, कोकोनट है यहाँ पे क्रश्ड कोकोनट हम इसमें ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, और खशखाश हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ है पपीते का, कच्चे पपीते का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे। दही और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब हम इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ कीमे के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आप इसको स्मोक दे सकते हैं कोयले का, और चाहें तो कीमा बनने के बाद भी इसको स्मोक दे सकते हैं। तो यहाँ मैरिनेशन के लिए मैंने इसे रख दिया था, और मैरिनेट करने के बाद मैंने इसे पैन में ऑयल डाल के और अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो कीमा थोड़ा सा पहले आप लोगों ने भून लेना है, कीमे का पानी खुश्क हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके हम कवर करके इसे पकाएंगे। कीमा बनाने के बाद मैंने इसे स्मोक दिया था, आप चाहें तो कच्चे कीमे में भी दे सकते हैं। यहाँ मैं कीमे को अच्छे से भून रही हूँ। भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, एक ग्लास पानी ऐड करने के बाद जब इसे बॉयल आने लगा तो मैंने इसे कवर करके पका लिया। और कीमा जो है वो आपका हो जाएगा 20 से 25 मिनट में या आधे घंटे में तैयार। तो कीमा बनाने के बाद मैंने आपको ग्रीन सॉस की रेसिपी बतानी है। तो ग्रीन सॉस के लिए हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 teaspoon, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के क्लोव्स, नमक, इमली का पानी, और उसके अलावा